नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनपद हाथरस प्राथमिक शिक्षा वर्ग वर्ष 2024। ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लेवा कॉलोनी में है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं जो कि 7 दिन की ट्रेनिंग पर आए हैं RSS की, जो अभी आराम से आकर सोए हुए हैं। ये देखिए, ये आराम से विश्राम कर रहे हैं। अभी कसरत करके आए थे, अभी आराम कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे रूम में भी ले चलूँगा जहाँ पर बच्चे आराम से आराम कर रहे हैं। ये देखिए, ये भैया सो रहे हैं आराम से। नहीं, वो भी नहीं है कि हम सोए हुए हैं कि जग रहे हैं, पर इनको पता नहीं है। पर मैं इनकी चुपचाप से एक वीडियो बना ली है। और शिक्षार्थी अपने ज़िले के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं जो कि आए हुए हैं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा वर्ग के अंदर, जो कि एक विश्व का RSS सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और ये अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है दोस्तों। इसकी स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 2025 में नागपुर में पंडित केशव बलिराम हेडगे के द्वारा की गई थी। ये देखिए पहलवान को किस तरह से, ये देखिए स्वयं सेवक की बॉडी, हमारे स्वयं सेवक की बॉडी, ये देखिए स्वयं सेवक पौधे पड़े हैं। ये देखिए, ये इनका सामान भी लगा हुआ है, बैग के अंदर इनका सामान है, चादर वगैरह ओढ़ने की, और बर्तन वगैरह भी यहीं रखे हैं इनके घर से। भी ये 2 कटोरी, 1 प्लेट और गिलास वगैरह दिख रहा है। सोए पड़े से देखिए, भैया भैया सो आराम से थक गए यार। मैं लाइव ना मत करो यार। हटी हटी होता मैं दहिया गुरी, एक और दही होने, एक और दही एक और ये एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व हित की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखना, और हिंदुओं के हित की बात करता है, हिंदुओं को एकजुट करना चाहता है और विश्व के कल्याण की बात करता है दोस्तों। सही है फोटू, अरे ये भी तो अच्छा लगेगा। राष्ट्र प्रेम को जागृत करता है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश राजपूत और मैंने ये ब्लॉग बनाया है आपको जानकारी देने के लिए कि इस संगठन के अंदर भारत का जो संगठन है, इसका सबसे बड़ा संगठन, ये अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है जो कि सब हिंदुओं को एक साथ अपने साथ जोड़े हुए है दोस्तों, और विश्व हित की बात करता है। हम दोस्तों वही दिख ना रहा हूँ, अंधेरे में दिख ना रहा हूँ, संग ना है आपको अंदर जाकर। अब अभी देखिए आप आराम से लेटे हुए हैं, कैसा लग रहा है वर्ग में आपको? ये मुकेश जी हैं, ये सक्षम जी हैं, यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे दीदी को यहाँ फोन चलाया जा रहा है, बात करी जा रही है, और ये भैया लेटे हुए आराम से यहाँ। और सब बढ़िया? एकदम बढ़िया, बहुत आनंद आते हैं बन के अंदर। मैं ये कहता हूँ सभी को एक बार फर्ज जरूर करना चाहिए जो रश्मि दल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जागृत करता है।
ये हमको बताता है कि हमारे देश के अंदर कितने मतलब अत्याचार हुए हैं। पिछली बार हमारे देश को बांटा गया, तोड़ा गया, क्यों? क्योंकि जब हमारा देश पूरा एक नहीं था, आज हमारा देश पूरा एक है। तो हिम्मत नहीं है और मेरी तक कहता है भारत माता की जय। मेरे दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बज गए। मैं उठ गया हूँ और सुबह की जो सीटी है वो 4:30 बजे की है, 4:15 हो गए। और भाई बंधु भी सो रहे हैं, वो आराम कुछ उठ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कक्ष के मैम 48 है, उसमें 2 भाई सो रहे हैं और सब कर रहे हैं। मैं देखा ये सुबह 4:30 बजे का जो जागरण होता है, इसमें क्या करते हैं सुबह उठकर लैट्रिन बाथरूम जाते हैं। सुबह 4:30 बजे का समय है और सभी सो रहे हैं अभी। वैसे 4:30 बजे उठे जाने का समय होता है, सीटी बज जाती है उठाने के लिए, क्योंकि संगीत स्थल पर जाना होता है, वहाँ पर शारीरिक कसरत करते हैं। ये भैया उठ के आगे देखो, ये दांत में टूथपेस्ट कर रहे हैं, दांत मार रहे हैं अपने। अब सब धीरे धीरे करके उठ जाएंगे, थोड़ी देर में अपना फ्रेश होने के बाद सभी संगीत स्थल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर सभी फिर कसरत करेंगे, खेलेंगे और वहाँ पर काफ़ी आनंद आता है। सुबह सुबह आसन वगैरह करते हैं, सुबह कसरत करते हैं और ध्वज वगैरह लगाते हैं। ये देखिए ये भैया जी आ गए हैं, साखा भी लगाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर। 5:20 पर संगीत स्थल पर पहुंचना है, इससे वहाँ शारीरिक क्रिया होती है। यहाँ पर अब सभी उठ चुके हैं, समय भी हो गया है इनका चलने का, यहाँ से अब सभी उठ चुके हैं। हम यहाँ से अपना चलेंगे, बिस्तर वगैरह तय करके सीधे संगीत स्थल पर पहुँचेंगे, वहीं पर अपना शारीरिक कसरत वगैरह करेंगे और दोषी लगाएंगे, शाखा लगाते हैं और गाली गाली मत दो। क्या भाई जगा दिया सुबह 4 बजे? 4 बजे जगा दिया इनको, आज लास्ट दिन है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इलाज देना, ये घर जाएंगे सब बच्चे। अंकित जी उठो भैया, सेट करने ये भी सो ही रहे हैं भैया, अभी तक उठे नहीं है ये। और आज अंतिम दिन है, ये आज है समापन लगा था 5 से 12 तक, और ये 7 दिन का कैंप लगा था आरएसएस का प्राथमिक। और इस कैंप के अंदर खेल कूद वगैरह कराते हैं काफ़ी, और योग आसन ये सारी क्रियाएं कराते हैं और संघ की विशेषता बताते हैं कि हमको संघ से क्या जुड़ना चाहिए। ये संघ स्थल पर